इस मॉड्यूल में वी विल बी डिस्कसिंग एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड तो देर इज़ ए वाइटी ऑफ एनिमल्स इसके अंदर प्रोटेस्ट uh, भी हैं और इसमें सिंपल मल्टी सेलर एनिमल्स हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स भी हैं तो ये हर एनिमल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है uh, कि वो किस तरह वो फूड हासिल करता है और वो किस तरह इसको यूज़ करता है तो इसमें ज़्यादातर Uh, जो प्रोटिस हैं ये तो अपनी बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब करते हैं फूड को और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्राम द एक्सटर्नल इन्वामेंट लेकिन ज्यादातर बड़े एनिमल्स बड़े एनिमल्स मोस्टली एनिमल्स दे वर्क फॉर द न्यूट्रिय और बाकायदा वो तगो करते हैं फॉलोइंग आर द स्पेसलाइजेश्ड फॉर फीडिंग एंड एक्सट्रा सेलुलर डाइजेशन ये वो तरीके हैं और जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं कवरिंग ऑल द एनिमल किंगडम ना सो देर आर वेरियस स्पेशलाइजेशन फॉर गेटिंग फूड सबसे पहले तो यही है कि हाउ टू गेट फूड एंड देर डिफरेंट वेज द एनिमल्स दे गेट फूड एक तो चीज़ है दर इज सो दीज आर एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन अमंग एनिमल्स देर इज कंटिन्यूस फीडर्स कुछ ऐसे होते हैं दे आर कंटिन्यूस फीडर्स वो detail um, 1 by 1 up detailed which had discontinuous feeders which suspension feeders hai, deposit feeders herbivorous then predator or uh, then surface nutrient absorption or fluid feeders. Hai. so there is a variety of, uh, of uh, this uh, feeding uh, or getting food uh, among animals so first of all we will be discussing this uh, one by one that is a uh, continuous feeders तो कॉन्टीन्यूस एंड फीडर्स कॉन्टीन्यूस फीडर्स वो होते हैं जो हर वक्त जो आमतौर पर एक्वाटिक एनिमल्स हैं और वो आ, उन्हें खुद ही वाटर करंट से फ़ूड मिलती रहती है उन्हें कोई तो दो नहीं करनी पड़ती वो उनके फूड के पीछे जहाड़ना जाना नहीं पड़ता और जिसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं ट्यूब फीट है दैन बर्नेकल्स हैं और दैट रिमेन इन वन प्लेस एंड दैट इज़ फूड पार्टिकल्स फ्राम वाटर यानी स्ट्रेन करते हैं जो पानी आ रहा है और उनकी जो बॉडी है या माउथ है या उसकी मुख्तल्फ स्ट्रक्चर्स है वो उस फूड uh, मिले पानी को स्ट्रेन करते रहते हो उसको और जितनी फूड है दैट मूवस इन टू द बॉडी और वाटर आगे फिर वो फ्लो कर जाता है बाहर यह है और इसके बाद है डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स में इसकी एग्जाम्पल दर इज ए कार्वोज एंड हरबीव यानी कि एनिमल्स जो हैं दे हैव टू मूव दर इज फॉर फूड फॉर गेटिंग फूड और इसके अंदर कुछ कार्नि जैसे बहुत बड़े एनिमल्स फोर फुटेड एनिमल्स मैमल्स लाइन्स टाइगर्स वगैरह कैट्स तो ऑल डॉगर एनिमल्स और वह उन्हें हैव टू एग्जर्ट

और टिपिकली डिस फीडर्स हैव मोर डाइजेस्टिव सिस्टम्स देन कॉन्टीन्यूस फीडर्स क्योंकि कॉन्टीन्यूस फीडर्स के अंदर तो कोई ख़ास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है लेकिन डिसकॉन्टीन्यूस uh, फीडर्स uh, जो हैं एनिमल्स uh, जो हैं वो फूड लेने वाले और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो चंक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े गल्प करते हैं फूड को और फिर वो उनके स्टोर हो जाता है ख़ास तौर पर स्टमक के अंदर और वो फिर आता आता वहां से फूड आता रहता है नाउ फॉर एग्जाम्पल लॉइन टाइगर कैट डॉग ये सारे के सारे दे आर कैप्चर रेलिटिवली लार्ज प्रे आपने ये देखा होगा स्पेंड दी टाइम लगाते हैं फूड को हासिल करने के लिए ना दस परमिट द स्टोरेज एंड ग्रेजुअल डाइजेशन ऑफ अ लार्ज रेलटिवलीफ्रीकेंट क्योंकि जो उन्हें फूड मिलता है वो फ्रिक्वेंटली नहीं मिलता उन्हें कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है जब शिकार मिलता है कभी नहीं मिलता इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इस लिहाज से बड़ा वो अडेप्टिव है अगर वो उन्हें भूख भी बर्दाश्त कर लेते उसके बाद हर बीव तो दे स्पेंड मोर टाइम Uh, that इज़ uh, eating दैन carnivores पोज डू अब जैसे जा, देखा होगा कि बहुत सारी हर्बी पोज जैसे बफलोज हैं काउज हैं कैमल्स हैं ये सारे के सारे दे आर हर्बी पोज और और वो बहुत जल्द बहुत सारी फूड अपने पेट में ले जाते हैं स्टमक में ले जाते हैं और वहाँ पर स्टोर होता है और फिर फिर आहिस्ता आस्ता वहाँ से निकलता है उसको बेस्टिकेट करते हैं माउथ में आके और और वो फिर उन्हें फर्दर चू कर वो इसको एनगल्फ करते हैं खाते हैं तो वन फूड एक्जॉस्टेड फूड इज़ एग्जॉस्टेड इन नेचुरल इन्वाज़ ग्रेजिंग टाइम टू एवॉड एक्सेसिट जब बाहर घास वगैरह या फूड वगैरह वगैरह अवेलेबल नहीं होता तो यह हर भी वो जो हैं ये फिर uh, ज़्यादातर फिर बाहर भी नहीं निकलते हैं और uh, ऐसे में जो स्टोरड फैट है वो आता आहिस्क कंज्यूम होती रहती है और वह कम से कम बाहर निकलते हैं टू अवॉइड द प्रीडियस ताकि वो दे शुड नॉट बी ईट न पॉन बाई अदर बाई अदर कार डाइजेस्टेंस परूड गैदरिंग एंड ग्रेजुअल डाइजेशन और फिर आज और उनकी डाइजेशन का प्रोसेस भी बड़ा स्लो हो, हो जाता है क्योंकि उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है दे बिकम लेस मोबाइल देन